प्यारे बंधुओं, जिस रास्ते से आज वो चिंता नाम की बेटी जा रही है, उसी रास्ते से लोगों का आवागमन लगा रहता था, क्योंकि दूर दूर से लोग भगवान बुद्ध की देशना उपदेश सुनने के लिए आते थे। इधर जैसे ही बेटी ने देखा है, मन में विचार करने की, क्या करूं क्या ना करूं, अरे यहाँ तो लोगों की भीड़ लगी हुई है आने जाने की, अगर मैं इस भीड़ में जाऊंगी तो किस प्रकार से दोष लगाऊंगी। आज वो बेटी मन में विचार करने लगी, भगवान बुद्ध की। याद रखना प्यारे बंधुओं, माताओं, बहनों, आज वो बेटी ने मन में विचार नहीं किया कि हम इन विरोधियों की बातों में आकर के भगवान बुद्ध सम्यक संबंध लोक शास्त्र को दोष लगाने के लिए जा रहे हैं। इधर पैसों के लालच में आ गई, और जिस रास्ते से वो जा रही है उस रास्ते से नर नारियों का आवागमन लगा है। आज रास्ते में लोग मिल जाते, उन्हें बहकाने लगी है, कहने लगी है, भैया भैया ये बताओ, हाँ। तुम जिस भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए प्रतिदिन जाते हो, हाँ। लेकिन आपको नहीं मालूम है कि ये भगवान बुद्ध जो हैं कितने गलत हैं? गलत है मेरे भैया? उसी समय नर नारियों ने ऐसे शब्द सुने हैं तो आज वो झुझला कर कहने लगी, अरे लड़की पागल हो गई है, कैसी बातें कर रही है, भगवान बुद्ध के बारे में इतने अपशब्द बोल रही है, अरे वो तो करुणा के सागर हैं, दया के भंडार हैं, वो तो जन जन को ज्ञान देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, और तू उनके बारे में गलत बोल रही है, तुझे शर्म नहीं आती है? अरे बेटी, तुम्हें शर्म आना चाहिए, हमारे तथागत गौतम बुद्ध सबको उपदेश देते हैं, धम्म चर्चा देते हैं, और तुम मुझे उसको गलत बता रही हो? नहीं बेटी, ऐसे ये नहीं तो गौतम बुद्ध है, इनका धम्म ग्रहण करो मेरे भैया, आगे बढ़ो बेटी। आज हुआ ऐसा, आज वो लड़की सोचने लगी, हमें लगता है कि इन लोगों को मैं गुमराह करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये लोग मेरी बातों में नहीं आ रहे हैं, अब क्या किया जाए। उसी समय प्यारी बंधु, नर नारी तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन चिंता धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जब आगे बढ़ने लगी तो हुआ ऐसा मेरे भैया, कि भरी सभा में पहुंच गई